अमेरिका ते कैनेडियन जंगी बेड़े ताइवान स्ट्रेट चों गुजरे। चीन हो गया इस गल ते नाराज। चीन वालों ताइवान नेड़े वड्डे पैमाने ते अभ्यास करन तो लगभग एक हफ्ते बाद एतवार नूं अमेरिका ते कैनेडियन जंगी बेड़े ताइवान जल डमरू चों लंघे। चीन ताइवान नूं अपना खेतर मानदा है। यूएस नेवी दे 7वें फ्लीट ने सोमवार नूं जारी कीते एक बयान च कहा कि विनाशकारी यूएसएस हिंगिस अते कैनेडियन फ्रीगेट एचएमसीएस वैनकूवर सारे देशां लई नेविगेशन दी आजादी दे सिद्धांत नूं बरकरार रखण लई रूटीन ताइवान स्टेट चों लंघे। अमेरिकी जल सेना दे जहाज नियमित तौर ते चीन नूं ताइवान तों वख करन वाले संवेदनशील जल मार्ग तों लंघदे ने। अजिहे च कई वार मित्र देशां दे जहाज भी उस दा साथ दिंदे ने। चीन ने इस युद्ध अभ्यास की निंदा करते हुए कहा कि यह खेतर विच शांति अते स्थिरता नूं नुकसान पहुंचाता है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा कि उसने यूएस अते कैनेडियन जहाजा की आवाजाई की निगरानी करन लई कानून अनुसार नेवी अते हवाई सेना नूं तैनात किया है। यूएस नेवी के 7वें फ्लीट ने एक बयान में कहा कि जहाज अजिहे पानी विचों लंघे जिथे नेविगेशन ते ओवरफ्लाइट की आजादी अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा नियंत्रित की जाती है। इस विच कहा गया है कि ताइवान स्ट्रेट चीन विच अंतरराष्ट्रीय भाईचारे अधिकार ते नेविगेशन दी स्वतंत्रता नूं सीमित नहीं कीता जाना चाहिदा। चीन ने सोमवार नूं ताइवान ते उस दे बाहरी टापूआं नेड़े वड्डे पद्धर ते फौजी अभ्यास कीता ते इस दे बाहरले टापू जंगी जहाजा दे नाल एक एयरक्राफ्ट करियर दी तैनाती कीती। उस दा एह कदम ताइवान जल डमरू विच तनावपूर्ण स्थिति नूं दर्शाउंदा है। चीन ने फौजी अभ्यास विच एक दिन विच रिकॉर्ड 125 फौजी जहाजां दी वरतों कीती। चीन दे रक्षा मंत्रालय ने कहा सी कि यह अभ्यास ताइवान दे राष्ट्रपति लाई चिंग ते द्वारा बीजिंग दीयां मंगां नूं स्वीकार करन तों इनकार करन दा जवाब है कि ताइवान अपने आप नूं कम्यूनिस्ट पार्टी दे शासन अधीन चीन दा हिस्सा मानदा है। अमेरिका ते कैनेडियन जंगी बेड़े ताइवान स्ट्रेट चों गुजरे। चीन हो गया इस गल ते नाराज। चीन वालों ताइवान नेड़े वड्डे पैमाने ते अभ्यास करन तो लगभग एक हफ्ते बाद एतवार नूं अमेरिका ते कैनेडियन जंगी बेड़े ताइवान जल डमरू चों लंघे। चीन ताइवान नूं अपना खेतर मानदा है। यूएस नेवी दे 7वें फ्लीट ने सोमवार नूं जारी कीते एक बयान च कहा कि विनाशकारी यूएसएस हिंगिस अते कैनेडियन फ्रीगेट एचएमसीएस वैनकूवर सारे देशां लई नेविगेशन दी आजादी दे सिद्धांत नूं बरकरार रखण लई रूटीन ताइवान स्टेट चों लंघे। अमेरिकी जल सेना दे जहाज नियमित तौर ते चीन नूं ताइवान तों वख करन वाले संवेदनशील जल मार्ग तों लंघदे ने। अजिहे च कई वार मित्र देशां दे जहाज भी उस दा साथ दिंदे ने। चीन ने इस युद्ध अभ्यास की निंदा करते हुए कहा कि यह खेतर विच शांति अते स्थिरता नूं नुकसान पहुंचाता है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा कि उसने यूएस अते कैनेडियन जहाजा की आवाजाई की निगरानी करन लई कानून अनुसार नेवी अते हवाई सेना नूं तैनात किया है। यूएस नेवी दे 7वें फ्लीट ने एक बयान में कहा कि जहाज अजिहे पानी विचों लंघे जिथे नेविगेशन ते ओवरफ्लाइट की आजादी अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा नियंत्रित की जाती है। इस विच कहा गया है कि ताइवान स्ट्रेट चीन विच अंतरराष्ट्रीय भाईचारे अधिकार ते नेविगेशन दी स्वतंत्रता नूं सीमित नहीं कीता जाना चाहिदा। चीन ने सोमवार नूं ताइवान ते उस दे बाहरी टापूआं नेड़े वड्डे पद्धर ते फौजी अभ्यास कीता ते इस दे बाहरले टापू जंगी जहाजा दे नाल एक एयरक्राफ्ट करियर दी तैनाती कीती। उस दा एह कदम ताइवान जल डमरू विच तनावपूर्ण स्थिति नूं दर्शाउंदा है। चीन ने फौजी अभ्यास विच एक दिन विच रिकॉर्ड 125 फौजी जहाजां दी वरतों कीती। चीन दे रक्षा मंत्रालय ने कहा सी कि यह अभ्यास ताइवान दे राष्ट्रपति लाई चिंग ते द्वारा बीजिंग दीयां मंगां नूं स्वीकार करन तों इनकार करन दा जवाब है कि ताइवान अपने आप नूं कम्यूनिस्ट पार्टी दे शासन अधीन चीन दा हिस्सा मानदा है।